अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश आपके साथ शेयर करते हैं जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे और वो मुकद्दस मकामात आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिससे आपके आंखों को ठंडक मिलेगी, आपका दिल खुश हो जाएगा और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गली कूचों का सैर भी आपको नसीब होगा। तो आइए चलते हैं इस सफर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मलिक फरीद और यहां पर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाय पैदाश के सामने मौजूद हूं। और ये जगह कौन सी जगह पे है मैं अभी आपको दिखा दूं। ये इस तरफ है मस्जिदुल हराम सफ़ा मरवा। ये जो गुंबद आपको नज़र आ रहा है इसके नीचे मरवा की पहाड़ी है और ये नया मीनार बना है मस्जिदुल हराम का और ये सफ़ा मरवा वाली साइड है। और ये देखें इस तरफ ये पूरा सफ़ा मरवा का एरिया है, वहाँ पर मरवा की पहाड़ी है और ये जबल अबी कुबैस जो अहादीस में जिसका जिक्र आया है काफ़ी, जबल अबी कुबैस और कबीला बनु हाशिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कबीले से थे वो यहीं पर इसी एरिया में रहते थे। और ये सामने वाली जो जगह है ये है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाय पैदाइश। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का घर था अब्दुल मुत्तलिब का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी यहीं पर ही हुई। तो ये आप लोग देख रहे हैं ये बिल्डिंग सामने है आपके माशाल्लाह और इसे अभी लाइब्रेरी बना दिया गया है। इस जगह पर मकतबा मक्तबुल मुकर्रम और ये इमारत भी नहीं है, जाहिर है वो पुराने वाली इमारत नहीं है लेकिन ये जी जगह है, जगह इसी के बारे में बताया गया है कि यहीं पर ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और अक्सर लोग पूछते रहते हैं शायब अबी तालिब कहाँ था, तो वो उस एरिया में था, वो पूरा शायब अबी तालिब था जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल बाइकॉट के गुजारे थे, जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये हम लोग आगे जा रहे हैं इंशाल्लाह इस इमारत के पास, आपको मैं नज़दीक से ज़्यारत करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि इस इमारत के अंदर क्या होता है और ये आगे पीछे से किस तरह से है। ये है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाय पैदाइश और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का भी यही घर होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो थे वो भी कुरैश के सरदारों में से एक सरदार थे। ये देखें इस तरफ मस्जिदुल हराम आपको नज़र आ रही है सफ़ा मरवा वाली साइड और ये ख़ास तौर पे मरवा वाला मरवा की पहाड़ी इधर ही है और ये इसी तरफ से ही है इमारत। ये इमारत के अंदरूनी मनाजिर कुछ तस्वीरों पे बने हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लें बोर्ड पे मकतबा मक्कतुल मुकर्रमा, मक्कतुल मुकर्रमा लाइब्रेरी इस जगह को बनाया हुआ है और ये अक्सर मैंने देखा है बंद ही होती हैं, इसकी टाइमिंग होगी ज़ाहिर है। और ये लाइब्रेरी अंदर से कुछ इस तरह से है, ये आप देख रहे हैं और ये भी लाइब्रेरी की ही एक तस्वीर है। और ये भी जो दोस्त आए हैं आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपके तवसुत से दूसरे लोग भी देख लें। और इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं ये कुछ जुवार भी आ रहे हैं हमारे पाकिस्तान से, ज़ायरीन आज कल आए हुए हैं काफ़ी, उमरा खुला है। ये देखें भाई साहब उनको बता रहे हैं कि ये है ज़ियारत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। काफ़ी जुवार आए हुए हैं इस टाइम पे, जो लोग मस्जिदुल हराम में इस टाइम होते हैं तो वो लोग इधर अक्सर ज़ियारत करने के लिए आते रहते हैं। तो वो सामने वाली जगह थी और ये साइड वाला एरिया है, यहाँ पर साइड से आप देख रहे हैं ये पूरा साइड से है इस तरफ। और यहाँ पर नीचे जमजम डिस्प्यूशन का एक प्रोजेक्ट है छोटा सा जो बंद हुआ हुआ है आजकल, जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है ये बंद कर दिया गया था। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, जालियों के अंदर से आपको नज़र आ रही होंगी ये नल लगे हुए हैं इधर देख रहे हैं, इसमें जमजम पानी होता था, यहाँ से लोग भर के जाते थे, हम लोग भी भरते थे पहले लेकिन आजकल ये बंद है। तो कैंस यहाँ पर आजकल नहीं भरी जाती, आजकल आप अगर जमजम आपको चाहिए तो आप ख़रीद सकते हैं, 5 रियाल की एक बोतल है जमजम की वो आप ले सकते हैं और पी सकते हैं, वो सब मार्केट से बंदा से बिंदाऊद से मिलती है। और ये कुछ हरकतें हैं जो ला इल्मी में लोग यहाँ पर करते हैं तो उनकी निशानदेही की गई है कि यहाँ पर ये देखें ऊपर लिखने के बारे में, यहाँ पर दीवारों पे लोग लिखते हैं
कुछ लोग इस तरफ मुंह करके दुआ मांग रहे हैं, किबला उस तरफ है। और ये हाजियों से सादिर होने वाली बाज़ गलतियाँ, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये तस्वीर बनी हुई है कि इन्होंने इसी तरफ मुंह करके सजदा किया हुआ है, और ये भी नीचे लिख रहे हैं। यहाँ पर पहले दीवारें काफ़ी ख़राब हुई हुई थी, यानी कि लिखा हुआ था, तो अभी ये वाला जो पेंट है ना, ये नया किया है, जो भी पुरानी लिखाइयाँ थी वो ख़त्म करके। तो ये आप देख रहे हैं इस तरफ। ये इधर एक बहुत ही लंबी कतार परिंदों की बैठी है। परिंदे कौन से? कबूतर हैं। देखें कैसे लाइन में सही ज़बरदस्त लाइन बना के बैठे हैं, माशाल्लाह। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सबको यहाँ पर ले आए, आप लोगों को ये ज़ियारतें करवाए, उम्रा व हज करने की तौफीक अता फरमाए। ये देखें, ये भाई भी उम्रा करके आ रहे हैं माशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप लोगों की नेक ख्वाहिशात पूरी करें, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत अता फरमाए, और जो लोग माल की वजह से परेशान हैं, रोज़गार नहीं है, अल्लाह ताला उनके रोज़गार में आसानियां फरमाए, और जो हमारे मुसलमान बहन भाई वफात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और हमारे जो बहन भाई देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे, जिनके वालदैन बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, और जिनके वालदैन जिंदा हैं, सेहत याब हैं, अल्लाह ताला उनकी सेहत तंदुरुस्ती दायम रखे, ईमान में रखे, और अल्लाह ताला उनका हुस्नुल खात्मा फरमाए। और जिनके वालदैन वफात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, जिनकी औलाद नाफरमान है अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और जो बहन भाई ख़ुद किसी गुनाह में मुब्तला हैं अल्लाह ताला उनके जल्द उस गुनाह को छोड़ने की ताकत दे अल्लाह ताला उनको। और आप लोगों को सबको यहाँ पर उम्रा करने की सआदत नसीब फरमाए, मदीना जाके बादब हाज़िरी देने की सआदत नसीब फरमाए आप लोगों को, आमीन। तो ये मस्जिदुल हराम है, आप लोगों ने इस तरफ देखा, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाय पैदाइश, यहीं पर ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का घर था, और यहीं पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। तो ये सारे मनाजिर आपने देखे।